तो गाइस फाइनली अनुपमा सीरियल के जो जनरेशन लीप है 15 साल के राउंड का लीप हमें देखने को मिलेगा, उसका जो प्रोमो है वो रिलीज कर दिया गया है। पिछले काफ़ी दिनों से मैं इसी के बारे में आप लोगों को बता रहा था। एंड आइए जान लेते हैं, सबसे पहले एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिमाग में आ रहा है, अनुज सीरियल का हिस्सा रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। लास्ट जो मैंने अपने सोर्सेज से सुना था वो यही था कि अनुज सीरियल में स्टिल रहेंगे, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है आने वाले दिनों में। शो के प्रोमो में हमें यही देखने को मिलता है अनुपमा का जो करेक्टर है वो थोड़ा और बूढ़ा कर दिया गया है, यानी कि ऑफकोर्स जब जनरेशन लीप ही आ गया है तो उसकी उम्र भी बढ़ेगी। और यहाँ पर हमें न्यू लुक ही अनुपमा देखने को मिलती है, और यहाँ पर वो देख रही है कि उसको काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है इस बार उसके बिजनेस में। लेकिन फिर आगे चलकर हमें सीरियल के नए मेल लीड भी दिखाए जाते हैं जो कि शिवम खजूरिया है। तो बहुत महीने पहले आप लोगों को बताया था कि शिवम खजूरिया सीरियल में एंटर करेंगे और ये सीरियल में प्ले करेंगे वो करेक्टर जो कि आध्या का लव इंटरेस्ट प्ले करने वाला है। तो गैज वैसा ही हुआ है, शिवम खजूरिया भी सीरियल में जो एंटर किए हैं, इनके करेक्टर का नाम होने जा रहा है प्रेम। और गैज यहाँ पर ये बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं अनुपमा के नए वाले, वो अगर अनुपमा को यही बताता है कि लॉस हुआ तो कोई बात नहीं, ये सब उतार चढ़ाव चलते रहते हैं, अब अगर आज लॉस हुआ है तो कल जाके फ़ायदा प्रॉफिट वगैरह भी होगा, उसी के साथ अनुपमा उसको प्रसाद दे देती है। तो गैज़ इसी के साथ हमें कहानी में आगे जाकर ये देखने को मिलता है कि वो जो प्रेम लड़का है वो आगे चला जाता है मंदिर के पास। लेकिन अब यहाँ पर बात आती है आध्या के करेक्टर की, और अब भटनागर का आप लोगों को बताया था गैज़ कि वो शो को एग्जिट करने वाली है बिकॉज सीरियल में मेकर्स को एक बड़ी उम्र की एक्ट्रेस चाहिए होंगी, तो आलिशा परवीन को फाइनल कर लिया गया है रोल के लिए। आप लोगों को बताया था कि शिवांगी जोशी या फिर आलिशा में से किसी एक को चुना गया जाएगा, एंड आलिशा को चुन लिया गया है। इन्हें हम उड़ा दिए सीरियल में देख चुके हैं, हमें द्वारका के नियर देखने को मिलती हैं, एक्चुअल में टूर गाइड बन चुकी हैं बड़ी होकर। यहाँ पर वो यही ढूंढ रही हैं उन्हें कोई क्लाइंट मिल जाए अपने इस टूर गाइड बिजनेस के लिए। एक कोरियन कपल के पास जाती भी हैं लेकिन उसके जो कोरियन कपल है वो उसकी सर्विस लेना पसंद नहीं करते टूर गाइड की। लेकिन फिर उसको मिल जाता है प्रेम का करेक्टर, यानी कि शिवम खजूरिया का जो करेक्टर है वो वहाँ पर उसको मिल जाता है। वो उसी को वहाँ पर पकड़ लेती है कि चलो कोई तो मिले, फॉरेन क्लाइंट्स नहीं मिल रहे तो हमारे जो लोकल क्लाइंट हैं उनका सपोर्ट तो मिले। वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाती है और द्वारका को दिखाने लग जाती है। तो वहीं पर वो दोनों प्रे करते हैं, एंड वहाँ पर प्रेम जो है उसे प्रसाद भी ऑफर करता है। जब आध्या वो प्रसाद खाती है उसे वो याद आता है कि उसे बिल्कुल अपनी मदर अनुपमा की याद आती है। फिर प्रेम उससे पूछता है कि क्या उसकी मदर ज़िंदा है, तो आध्या यही जवाब देती है कि मदर तो ज़िंदा है लेकिन वो एक दूसरे से ज़्यादा अब जुड़े नहीं हुए आज के टाइम में। हमें यही देखने को मिलता है कि जो माँ बेटी हैं दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिसकनेक्टेड हैं आज के टाइम में, एंड ये 15 साल के लीप में उनके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुका है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस आ चुके हैं इतने सारे सालों में। लेकिन धीरे धीरे सीरियल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये अनुपमा और आध्या में जो दूरियाँ हैं वो घटती हुई नज़र आएंगी, एंड धीरे धीरे एक दूसरे के सामने भी आएंगे। तो इस तरह के काफ़ी अलग अलग रिलेशंस हैं सीरियल में जिसमें हमें डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। वनराज के करेक्टर की भी रिटर्न सीरियल में एक्सपेक्टेड है। तो गाइज़ ये है जनरेशन लीप, आने वाले दिनों में और सारी डिटेल्स भी आप लोगों को दूंगा। कमेंट्स में बताइए प्रोमो कैसा लगा, प्रॉमिसिंग लग रहा है या फिर नहीं लग रहा, आप लोग एक्साइटेड हैं फ्यूचर के लिए या फिर नहीं है। और आने वाले दिनों में अनुपमा सीरियल की लीप से जुड़े सारे अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि कोई भी खबर इसके रिलेटेड बिल्कुल भी मिस ना कर पाएँ। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।